नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। तो आज का वीडियो हमेशा की तरह इम्पॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग एग्ज़ाम्स के जो पेपर में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उस तरह के हम लोग पेपर को सॉल्व करेंगे और ये सारे जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट हैं, कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं वीडियो में आ रहा। तो सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ इसे ध्यान से देखिए और पढ़िए। तो हम लोग चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा के क्वेश्चन पेपर की तरह इसमें भी हमारा 5 MCQ रहेगा, 5 राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट वाला रहेगा और फिल अप रहेगा और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप में वो है कि ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरीज हाउ मेनी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो इसमें क्वेश्चन है कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है। तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो बी ऑप्शन है 4 वो राइट आंसर है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है लाइफ स्पैन ऑफ WBC इज, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन कितना होता है। पहला ऑप्शन है 13 से 20 दिन, दूसरा ऑप्शन 22 से 30 दिन, तीसरा ऑप्शन 32 से 45 दिन और चौथा ऑप्शन है 45 से 50 दिन। तो जो पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है, यानी 13 से 20 दिन इसका होगा आंसर। तीसरा क्वेश्चन है द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर्स इज कॉल्ड, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देना वो भी उसके स्पोर्स के साथ, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन सैनिटेशन है, दूसरा एंटीसेप्सिस है, तीसरा स्टरलाइजेशन है और चौथा ऑप्शन एसेप्सिस है, जिसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन स्टरलाइजेशन। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है लोडिंग डोज ऑफ ए ड्रग प्राइमरी डिपेंड्स ऑन, तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा क्लियरेंस, तीसरा रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, चौथा हाफ ऑफ लाइफ। तो क्वेश्चन हमारा है कि ड्रग का जो लोडिंग डोज है वो किस पर डिपेंड करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए ऑप्शन, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है ह्यूमन ब्रेन हैज, तो ह्यूमन ब्रेन हैज 3 मेनिंजियल लेयर, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 3। तो 3 लेयर में हमारा जो पहला लेयर होता है वो होता है ड्यूरा मैटर, दूसरा लेयर है एरेकोनॉइड मैटर और तीसरा जो लेयर है वो है पाया मैटर। तो ये मेनली 5 MCQ टाइप क्वेश्चन थे जिसमें पहला का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन 4 मॉलिक्यूल, दूसरे क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन है 30 to 20 days और तीसरा जो हमारा है उसका राइट आंसर सी ऑप्शन स्टरलाइजेशन और चौथा क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और पांचवा का राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन है 3। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज राइट एंड रॉन्ग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो इसमें राइट और रॉन्ग बताना है, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है पिट्यूटरी इज आल्सो कॉल्ड एज मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा राइट है। सेकंड क्वेश्चन है इनहिबिन इज सीक्रेटेड बाय इंटरस्टियल सेल्स, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है क्योंकि इनहिबिन जो है वो मेल के सर्टोली सेल्स के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं और फीमेल के ग्रेन्यूलोसा सेल्स के द्वारा, ये हमारे स्टेटमेंट गलत है तो इसमें हमें रॉन्ग लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, तो ये हमारा राइट स्टेटमेंट है तो इसमें राइट लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो इसमें क्या है कि माइक्रोबायोलॉजी के फादर का नाम क्या है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी के फादर जो हैं वो एंटोन ऑन लीवेनहुक है। फिफ्थ क्वेश्चन है द टर्म इंटरनल इन्वायरमेंट स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा वो राइट स्टेटमेंट है क्योंकि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट के लिए ही होता है, ठीक है। यानी जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं जैसे में हम लोग ह्यूमन बींग, तो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है फिलअप है और इसमें खाली स्थान भरना है, तो इसका जो पहला है वो है साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज, तो जो इंटरस्टियल सेल्स होते हैं टेस्टिस में वो हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो टेस्टिस में फॉर्मेशन होता है उसके इंटरस्टियल सेल में।
अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है बेस ऑफ लंग इज रिलेटेड टू, तो इसका होगा डायफ्राम। थर्ड क्वेश्चन है केमिकली हार्मोन्स आर, तो हार्मोन क्या है, एक तरह के प्रोटीन है, स्टेरॉइड है। फोर्थ क्वेश्चन है एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स, तो इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 8 से 12 दिन 13 दिन होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है पीएच ऑफ ब्लड इज, तो ब्लड का पीएच 7.4 होता है, ठीक है, हल्का लाइन नेचर का होता है। तो ये जो भी हमारे 3 तरह के क्वेश्चन थे, एमसीक्यू, फिलअप, राइट एंड रॉन्ग, वो हमने सॉल्व कर लिया। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारा जो पहला है वो है राइट डिफरेंस बिटवीन नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस, तो नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स में लिखना है, हमारा ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नेक्रोसिस होता क्या है, एपोप्टोसिस क्या होता है, ठीक है। तो नेक्रोसिस जो हमारा है वो एक्सीडेंटल सेल डेथ है, ठीक है, यानी ये जो है कोई जानबूझ के नहीं होता है, हमारे शरीर के अच्छे के लिए नहीं होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या है कि ये हमारा जो है वो पैथोलॉजिकल होता है, ठीक। नेक्रोसिस में क्या होता है कि ये जो है वो ट्यूमर का कंडीशन है या फिर कोई एकदम जैसे नेक्रोसिस टाइप है, तो वो हमारा जो है इसके टाइप भी बहुत सारे होते हैं, जिसमें हमारे कोगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होते हैं। और जो हमारा एपोप्टोसिस है, तो एपोप्टोसिस में क्या होता है कि सेल सुसाइड है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, जिससे कि हमारे शरीर को कोई हानि नहीं होती है, ठीक है। जैसे मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना, तो उसमें जो इंडोमेट्रियम लेयर है हमारे यूट्रस का, वो ब्रेक डाउन होती है, तो वो एपोप्टोसिस का एग्जांपल है। तो एपोप्टोसिस में हमारा क्या होता है कि इन्फ्लामेशन कोई नहीं होता है, ठीक है, और दूसरा एक बॉडी से दूसरा एपोप्टोटिक बॉडी जो है वो फॉर्म होगा। एनर्जी की ज़रूरत इसमें होती है, ये एक तरह का एक्टिव प्रोसेस है। एपोप्टोसिस क्या है, एक तरह का एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और इसमें कोई इन्फ्लामेशन नहीं होगा, और ये एक तरह का सेल सुसाइड है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, ये फिजियोलॉजिकल है, ठीक है। अब हमारा क्या है कि जो नेक्रोसिस है वो नॉन प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, जो कि किसी इंजरी के कारण होता है, किसी बीमारी के कारण होता है, या फिर ट्रामा या फिर एक्सीडेंट किसी कारण हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ये एक तरह का पैसिव प्रोसेस है। कहा जाता है कि ज़िंदगी में कुछ भी फ्री मिले तो उससे नुकसान ज़रूर है, तो ये बिना एनर्जी के यानी फ्री में हो रहा है नेक्रोसिस, तो इससे बहुत नुकसान है हमारे शरीर को। ये नॉन फिजियोलॉजिकल होता है, ठीक है। तो मेनली यही हमारे एपोप्टोसिस नेक्रोसिस हैं, तो आप इसका डेफिनेशन लिख दीजिए, दोनों के बीच में डिफरेंस लिख दीजिए, ठीक है, और इसमें लिख दीजिए कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, और एपोप्टोसिस का कारण क्या है, तो फिजियोलॉजिकल सिचुएशन हो सकता है, पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकता है, और इसके जो हैं कुछ स्टेप्स होते हैं, और नेक्रोसिस के कुछ टाइप्स होते हैं जो मैंने बताए, कि उसमें हमारा कोगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, और फिर फैट नेक्रोसिस, फ्यूरिनॉइड नेक्रोसिस, ठीक है। तो ये सब कुछ टाइप्स हैं। अब हमारा क्या है कि सेकंड क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ स्किन, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि स्किन होता क्या है। तो स्किन क्या है, हमारे बॉडी का आउटर कवरिंग है, जो कि हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचाती है, यानी बाहरी वातावरण में जो भी हो रहा है उससे हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे बॉडी को, जो कि हमारे शरीर के हर एक पार्ट को, पूरे होल बॉडी को वो कवर करती है, ठीक है। अब स्किन का फंक्शन देखें तो इसमें हमारा है कि प्रोटेक्शन करता है, जो भी अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं हमारे बॉडी के अंदर के, उन्हें इंजरी से बचाता है। क्या करता है, एक्सक्रीशन का काम भी करता है, जिसमें हमारे कुछ मेटाबोलाइट्स होते हैं, कुछ सॉल्ट्स होते हैं, वो सभी हमारे पसीने के थ्रू निकल जाते हैं, तो वो एक्सक्रीशन है। फिर है कि सेंसेशन, यानी बाहर में कुछ भी हो रहा है तो हम लोग टच करते हैं, तो टच करने से भी हमें सेंसेशन होता है, तो सेंसेशन प्रोवाइड करता है हमें स्किन। फिर है कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, स्किन में हमारे स्वेट और सीबम का सिक्रेशन होता है, यानी पसीना का, सीबम का, और हमारा जो इर्गोस्टेरॉल होता है स्किन का,
वो क्या करता है कि विटामिन डी का सिंथेसिस करता है। वो किसके प्रेजेंस में? तो सनलाइट के यूवी रेज के प्रेजेंस में, ठीक है। यानी सन रेज जब पड़ेगा हमारे शरीर पे तो स्किन जो है विटामिन डी का सिंथेसिस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो नॉर्मली इतना ही फंक्शन लिख दीजिए। और स्किन क्या होता है, स्किन के टाइप में देखिए तो ये थिक स्किन, थिन स्किन होता है। थिक स्किन जो हमारे तलवे और हाथ का जो पाम है, थिन स्किन में जो भी बचा हुआ हमारे बॉडी का स्किन है वो थिन होता है। अपेंडेजेज में देखें स्किन के तो हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, स्वेट ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड हो गए, तो ये सभी अपेंडेजेज हैं। उसके बाद इसमें क्या करना है कि टंग का डायग्राम बनाना है। तो आप अच्छा सा एकदम सुंदर सा डायग्राम देख लीजिए और अच्छा सा डायग्राम बना लीजिएगा। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ बोन, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ बोन में देखें तो बोन क्या प्रोवाइड करता है, बोन बना किससे होता है? तो बोन जो है कैल्शियम कार्बोनेट का या फिर कैल्शियम फॉस्फेट का बना होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मेनली बना होता है, जो कार्टिलेज होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो बोन जो है हमारे शरीर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्केलेटल सिस्टम फॉर्म करता है, ठीक है। बोन ही तो है जो कि हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ और भी फंक्शन इसमें ऐड कर सकते हैं कि सपोर्ट, प्रोटेक्शन, डिफेंस का काम करती है, कि जो भी बाहर से इंजरी आ रही है, जो भी ट्रॉमा होने वाला है उससे हमें बचाती हैं, ठीक है। बोन, बोन में हमारा बोन मैरो होता है जिसमें हमारा ब्लड फॉर्मेशन होता है, RBC, WBC ऐसा फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ लीवर। तो लीवर के फंक्शन में देखें तो लीवर क्या है, सॉलिड ऑर्गन है, बाइलोब्ड है, दो लोब होते हैं जिसे डिवाइड करती है फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। इसका वेट 1.5 kg होता है, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, हमारे शरीर का लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। लीवर का जो होता है इसमें दो हमारे ब्लड वेजल्स होते हैं, हिपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन होते हैं। एक अच्छा सा छोटा सा डायग्राम बना दीजिएगा। और लीवर का फंक्शन में पहला होगा डिटॉक्सिफिकेशन करता है, विटामिंस का स्टोरेज करता है, इमल्सिफिकेशन करता है, फैट का ब्रेक डाउन करेगा, लिपिड का इमल्सिफिकेशन करेगा, जो भी हमारे ब्लड क्लॉटिंग यानी क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, उनका ये फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, और इसमें हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से 4 ही क्वेश्चन करने हैं और 1 क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का होगा इसमें। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है डिस्कस एंड डिस्क्राइब लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इसमें अच्छा सा डायग्राम बना देना है और उसे अच्छे से डिस्क्राइब कर देना है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे पहले हम जानते हैं ये होता क्या है, कहाँ होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो फीमेल बॉडी में होगा, ये तो सबको पता है, और ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्शन क्या है, तो ये है दी एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस द न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज एंड पासिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू न्यू नेक्स्ट जनरेशन। यानी क्या होता है कि एक जैसे कि हमारे मम्मी पापा हैं उनसे हम हुए, तो ये क्या है, ये रिप्रोडक्शन है। और कैसे हैं, तो वो जेनेटिक मटेरियल भी हम ट्रांसफ़र किए हैं, तो उनका कुछ अच्छा सा कैरेक्टर, बुरा सा कैरेक्टर जो भी, वो हम लोग में भी आता है। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये जेनेटिक मटेरियल पास होता है, फिर हमारे जो आगे के पीढ़ी होंगे वो हमारी तरह होंगे, तो वो रिप्रोडक्शन होता है प्रोसेस, ठीक है। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसे 2 पार्ट में मेनली डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में करेंगे सॉरी। तो पहला जो है वो सेकेंडरी ऑर्गन होता है, एसेसरी ऑर्गन जिसे कह सकते हैं, उसमें हमारा मेमरी ग्लैंड है यानी ब्रेस्ट है, ठीक है। और सेकेंड जो है वो है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, और थर्ड जो है वो है इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। तो फर्स्ट में हमारा जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उसमें हमारा मॉन्स वेनरिस यानी मॉन्स प्यूबिस होगा, लेबिया मेजोरा होगा, लेबिया माइनोरा होगा, क्लिटोरिस होगा, हाइमेन होगा। तो मॉन्स वेनरिस जो है वो एडिपोज टिश्यू से बना हुआ है और स्किन के द्वारा कवर किया होता है, ठीक है। फिर लेबिया मेजोरा जो है वो 2 लार्ज फोल्ड्स वाले, मतलब कि ये क्या होते हैं कि स्किन होते हैं और 2 होते हैं और फोल्डेड फॉर्म में होते हैं, ये एडिपोज टिश्यू, स्वेट और सीबेसियस ग्लैंड को कॉन्टेन करते हैं, ठीक है। लेबिया माइनोरा जो है वो भी 2 स्मॉल फोल्ड्स होते हैं लेबिया मेजोरा के बीच में, ठीक है, और ये भी सीबेसियस ग्लैंड को कॉन्टेन करते हैं। उसके बाद हमारे वेस्टिबुल्स आते हैं, तो ये क्या है, तो लेबिया माइनोरा के बीच का एरिया है,
और यूरेथ्रा और वेजाइना की ओपनिंग को ये कंटेन करता है। ठीक है, क्लिटोरिस जो होता है वो इरेक्टाइल बॉडी, छोटा सा इरेक्टाइल बॉडी होगा, और ये जो है वेस्टिब्यूल के पास होता है। ठीक है, हाइमेन जो होता है वो थिन मेम्ब्रेन होता है और वेजाइनल ऑरिफिस को कवर किए रखता है वर्जिन वीमेन में। अब हम लोग देखेंगे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स को, तो ये ऑर्गन जो होते हैं वो पेल्विक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा वेजाइना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज होते हैं। तो इसमें हमारा जो वेजाइना है वो फाइब्रोमस्कुलर कैनाल है, 10 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होती है, और ये जो होता है सर्विक्स से, जो हमारा सर्विक्स है उसे एक्सटेरियर यानी बाहर के पोर्शन में होती है, यानी कि सर्विक्स हुआ और उससे बाहर जो ओपनिंग होता है वो वेजाइना होता है। ठीक है, फिर हमारा यूट्रस है, तो यूट्रस क्या है, होलो मस्कुलर ऑर्गन है, पेल्विस में होता है। ठीक है, और ये जो है तीन पार्ट में डिवाइडेड है, फंडस, बॉडी, सर्विक्स। ठीक, अब यूट्रस के तीन लेयर होते हैं जिसमें हमारा पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम होता है, और फेलोपियन ट्यूब जो है वो दो होता है, और इसके पार्ट हमारे इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस होते हैं, ओवरी भी दो होते हैं। ठीक है, तो मेनली ये सब पार्ट हैं। यूट्रस का डायमेंशन देखें तो 7.5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, वेजाइना का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर होता है, और वेजाइना को हम लोग बर्थ कैनाल भी कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप इतना लिख देंगे, डायग्राम बना देंगे, तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब दी ग्रॉस एनाटमी ऑफ GIT इन डिटेल्स विद डायग्राम्स, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में लिखना है अच्छे से। तो किसमें लिख लेंगे आप लोग, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता क्या है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन सब का काम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता क्या है। ठीक है, तो जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है वो होता है क्या, कि वो एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी ऑर्गन से कंसिस्ट होता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी ऑर्गन्स मिलके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक फॉर्म करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो हमारे बॉडी में क्या करते हैं, तो हम लोग खाना खाते हैं, उसमें से जो एनर्जी है ग्लूकोज का फॉर्म करेगी, एनर्जी हमारे शरीर को प्रोवाइड करेगी, फिर वो क्या करती है कि वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में हो जाती है, सब उसका जो भी अच्छा अच्छा प्रोडक्ट होता है, अच्छा अच्छा सब्सटेंस होता है, वो सब एब्जॉर्ब हो जाता है, जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जानेंगे कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा इसका फंक्शन देखें तो वो है इंजेशन, यानी जब खाते हैं मुँह से, डाइजेशन हो गया जब पचता है खाना, एब्जॉर्प्शन होगा यानी जो खाना खाए हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाएगा, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर असिमिलेशन होता है यानी हमारे ब्लड वेजल्स जो हैं उसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर बॉडी के हर एक पार्ट्स में पहुँचाएंगे एनर्जी फॉर्म करके, फिर एक्सक्रीशन होता है वेस्ट प्रोडक्ट का, जो कि बचे हुए अनवांटेड सब्सटेंस है वो एक्सक्रीट हो जाते हैं बॉडी से। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट देखें तो उसमें हमारे माउथ होते हैं, फेरिंस होते हैं, इसोफेगस होते हैं, स्टमक होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं। एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में देखें तो टीथ, सेलेवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज होगा। माउथ क्या है, उसे हम लोग ओरल कैविटी, बकल कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो है मसल्स और बोन्स के द्वारा बाउंडेड होता है, चारों तरफ इसके प्रेजेंट होंगे मसल्स और बोन, उसी में माउथ में ही तो टीथ है, तो वो भी तो एक तरह का बोन है। फेरिंस क्या होता है, कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो निगलते हैं, तो माउथ से हमारे फेरिंस में आता है खाना। फेरिंस तीन तरह के होते हैं, नेजोफेरिंस, ओरोफेरिंस, लैरिंगोफेरिंस। तो नेजोफेरिंस रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पिरेशन होता है उसमें, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। फिर ओरोफेरिंस रेस्पिरेशन के लिए भी होता है, डाइजेस्टिव फंक्शन के लिए भी होता है। लैरिंगोफेरिंस रेस्पिरेशन और डाइजेस्टिव फंक्शन दोनों के लिए होगा। ठीक है, उसके बाद इसोफेगस आता है, जो कि हमारा ट्यूब है, फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है, 25 सेंटीमीटर लेंथ होता है, 2 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। और जो लैरिंगोफेरिंस का इन्फीरियर एंड है, वहाँ से हमारा इसोफेगस जो फूड पाइप है वो स्टार्ट होता है। स्टमक जो है वो जे शेप्ड ऑर्गन है, एपिगैस्ट्रिक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में प्रेजेंट होता है एब्डोमेन के।
और इसका फंक्शन देखें तो ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करेगी, फूड को स्टोर किए रहेगी कुछ देर के लिए, टेम्प्रोरेली जो है वो स्टोर किए रखती है। गैस्ट्रिक कंटेंट पास होते हैं इसी के थ्रू। केमिकल डाइजेशन इसमें होता है क्योंकि इसके पास HCl होता है, पेप्सिन म्यूकस होता है। अब हमारा नेक्स्ट है इंटेस्टाइन। तो ये मेन ऑर्गन है हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का, जहाँ पे डाइजेशन होगा अच्छे से। इसका फंक्शन क्या है कि ये डाइजेस्ट करती है फूड को और न्यूट्रिएंट जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम में सप्लाई करती है। ठीक है, अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन हो गए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम होता है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा लेंथ हीलियम का होता है 3 मीटर। उसके बाद हमारा जो है लार्ज इंटेस्टाइन आता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का, ठीक है, और उसकी लंबाई जो है वो 6 से 7 मीटर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब हमारा लार्ज इंटेस्टाइन आता है जिसका जो लेंथ है वो 1.5 मीटर होता है, और इसके पार्ट में सिकम होता है जो कि स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, 6 सेंटीमीटर लेंथ होता है उसका, और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है जो कि कॉइल्ड होता है, फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्विस्टेड होता है, 8 से 13 सेंटीमीटर अपेंडिक्स का लेंथ होगा। उसके बाद कॉलन आता है जिसमें असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग सिग्मॉइड, 4 तरह के कॉलन होते हैं। फिर रेक्टम आता है जो कि लास्ट डायलेटेड पार्ट है एलिमेंट्री ट्रैक का। एनल कैनाल आता है जो कि शॉर्ट पैसेज है जहाँ से कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो पास होते हैं बॉडी के बाहर। इसका जो लेंथ है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डिस्क्राइब दी वेरियस टेक्निक्स ऑफ स्टरलाइजेशन यूज इन हॉस्पिटल्स। तो हॉस्पिटल्स में जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस है उसको यहाँ पे सारे टेक्निक को डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले स्टरलाइजेशन क्या होता है, तो ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसकी स्पोर्स के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, स्टरलाइजेशन का एम है कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर देना मटेरियल से, किसी सरफेस से, ताकि जो कंटामिनेशन है, इन्फेक्शन है, उसे रोक सकें। मेनली स्टरलाइजेशन का 3 स्टेज होता है कंप्लीट स्टरलाइजेशन के लिए। पहला प्री स्टरलाइजेशन होगा, दूसरा स्टरलाइजेशन होगा, तीसरा एसेप्टिक स्टरलाइज होगा। ठीक है, तो पहला प्री स्टरलाइजेशन में मैनुअल होता है, मैकेनिकल होता है, अल्ट्रासोनिक होता है। ठीक है, ये सब क्लीनिंग है, यानी सबसे पहले हम लोग घर में बर्तन धोते हैं, और उसी बर्तन से अगर ऑपरेशन होना हो, बर्तन से नहीं होगा लेकिन इंस्ट्रूमेंट समझिए वो बर्तन ही एक तरह का, उसे वॉश करते हैं, तो वही प्री स्टरलाइजेशन क्लीनिंग है। वॉश किए उसमें का जो भी ब्लड गंदगी लगा है वो सब साफ होता है, फिर स्टरलाइजेशन के लिए जाता है। तो स्टरलाइजेशन के भी बहुत सारे तरीके हैं, तो इसको 3 टाइप में मेनली क्लासीफाई करते हैं। पहला फिजिकल है, दूसरा केमिकल है, तीसरा रेडिएशन है। तो फिजिकल में हमारे सनलाइट आएंगे, ड्राइंग आएगा, हीट आएगा, हीट में ड्राई और मॉइस्ट आएगा, फिर फिल्ट्रेशन आता है, रेडिएशन आता है। तो रेडिएशन में आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग आएगा। फिर तीसरा टाइप केमिकल है जिसमें हमारा सेवलन स्प्रिट, बीटाडीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ग्लूटराल्डिहाइड, फॉर्मलडिहाइड, अल्कोहल, फिनोल, ये सब आते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग ड्राई हीट पढ़ते हैं। तो ड्राई हीट में फ्लेमिंग आता है जो कि एक तरह का एंशियंट मेथड है। इसमें जितने भी शार्प पॉइंटेड आर्टिकल्स हैं वो बर्नर से पास किए जाते हैं, जिसमें हमारे ग्लास ब्लेड्स हैं, ग्लास स्लाइड्स हैं, तो उनको फ्लेम से पास किया जाता है और बस हो गया। ठीक है, और रेड हीट में क्या होता है कि मेटलिक ऑब्जेक्ट को स्टरलाइज किया जाता है, जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, वो बहुत देर तक फ्लेम के ऊपर रखे जाते हैं बर्नर के ऊपर, जब तक वो रेड एकदम लाल ना हो जाए तब तक उसे किया जाता है, उसके ऊपर रखा जाता है फ्लेम के ऊपर। तो ये हमारा रेड हीट हुआ, इसमें हमारे नीडल्स, फोर्सेप्स हो गए एग्जाम्पल के तौर पर। फिर थर्ड आता है, अब हमारा हॉट एयर ओवन है, इंसिनरेशन है ड्राई हीट में। मॉइस्ट हीट में हमारा जो है बॉइलिंग, ऑटोक्लेविंग, पैश्चराइजेशन, और फिर हमारा टिंडलाइजेशन है। रेडिएशन में हमारा देखिए तो 2 टाइप के होते हैं, आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग, तो ये सभी मेथड्स हैं। केमिकल में सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं। तो सॉलिड में हमारा फॉर्मलिन टैबलेट हो गया, सोडियम नाइट्रेट का टैबलेट हो गया, जिसका यूज स्टरलाइजेशन के लिए करते हैं। फिर लिक्विड में हमारा सेवलॉन स्प्रिट, बीटाडीन, फिनॉल, फॉर्मलडिहाइड और भी होते हैं। गैस में हमारे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एथिलीन ऑक्साइड और फॉर्मलिन होते हैं। फिर हमारा एसेप्टिक स्टोरेज है जिसमें कि स्टराइल पैक में उसे स्टोर करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं ताकि कुछ भी पेस्ट जो है चूहे और फिर कीड़े वगैरह उसे ना, मतलब कि अनस्टरलाइज कर दें। ठीक है, तो मेनली यही स्टरलाइजेशन है। हमारा 4th क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल कंपोजिशन,
फंक्शन ऑफ ब्लड, राइट बेसिक्स ऑफ डिजॉर्डर ऑफ ब्लड कोगुलेशन सिस्टम। देखिए तो सबसे पहले ब्लड क्या है, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ब्लड का टाइप देखें, ब्लड का पीएच देखें, तो हमारा 7.4 होता है, अल्कालाइन नेचर का होता है। हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, ठीक है। फंक्शन देखें तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करती है हमारे सारे टिश्यूज़ में, हार्मोन्स को कैरी करती हैं टारगेट साइट तक, एंटीबॉडी और WBC कंटेन करती है। और इसका कंपोनेंट में देखें तो प्लाज्मा और ब्लड सेल्स होते हैं। तो प्लाज्मा में हमारे होंगे वाटर, प्रोटीन, सॉल्ट, ग्लूकोज होंगे। ब्लड सेल्स में RBC, WBC, प्लेटलेट्स होंगे। तो इन सभी को अच्छे से पूरा एकदम आप लिख दीजिएगा सारे कंपोजिशंस को, उनके फंक्शन और उनके बारे में। और फंक्शन देखिए ब्लड का फंक्शन में, तो वो ट्रांसपोर्ट करती है वेस्ट प्रोडक्ट को कहाँ, तो जो ऑर्गन जो हैं वो एक्सक्रीशन का काम करती हैं उनके पास। ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करती है हमारे अधिकतर जितने भी टिश्यूज हैं उनमें। एंटीबॉडी जो WBC कैरी करती हैं, तो ये हमें डिजीज से, इन्फेक्शन से बचाती हैं। हार्मोन्स कैरी करेंगी टारगेट साइट तक, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड से लेके। डिजॉर्डर में देखें तो हीमोफीलिया हो गया, और भी बहुत सारी डिजीजेज हैं जिसमें कि कोगुलेशन सिस्टम में हमारे दिक्कत आ जाता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, गिव ग्रॉस एनाटमी ऑफ मिडिल एंड इनर ईयर, ठीक है। तो यानी ईयर जो हमारा है वो एक तरह का सेंस ऑर्गन है, जिससे हम जो कि हमारे जो है हियरिंग को कंट्रोल करता है। इसे हम लोग स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है सेंसरी फंक्शन करता है, यानी सुनने का भी काम करेगा और हमारे बॉडी को भी बैलेंस करता है। इसीलिए हम लोग इसे स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन कहते हैं, सुनने का भी काम करेगा, बॉडी बैलेंस का भी काम करेगा। और जो ईयर है उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसकी बीमारी का स्टडी जो है वो ऑटोलॉजी कहलाता है, ऑटोलॉजी, ठीक है। तो ऑटोलॉजी में हम लोग ईयर का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसकी बीमारी को पढ़ते हैं। ये हमारे हेड के दोनों साइड प्रेजेंट होता है। हियरिंग को कंट्रोल करता है हमारा टेम्पोरल लोब, ठीक है। 60 से 80 डेसिबल जो साउंड है वो हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। हमारे पार्ट में एक्सटर्नल ईयर होते हैं, मिडिल ईयर होते हैं, इंटरनल ईयर होते हैं। एक्सटर्नल में पिन्ना और ऑडिटरी मीटस होते हैं, ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। मिडिल ईयर में टिम्पेनिक कैविटी होंगे, और इंटरनल ईयर में हमारे मेम्ब्रेनस लेबरिंथ होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को मेनली मिडिल ईयर और इनर ईयर को देखना है। तो मिडिल ईयर क्या है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, यानी कि ईयर ड्रम होता है, जो कि सेपरेट करता है एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर को, ठीक है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है वो मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर को सेपरेट करेगी, अलग करेगी। मिडिल ईयर जो है उसके पास 3 तरह के बोन्स होते हैं, ऑडिटरी ऑसिकल्स होते हैं, जिसमें सबसे बाहर होता है मैलियस, बीच में होता है इनकस, और सबसे अंदर होता है स्टेपिस। सबसे छोटी हड्डी हमारे बॉडी की जो है वो है स्टेपिस, ठीक है, ईयर बोन है। ये जो पैसेज है जो कि मिडिल ईयर और फेरिंस को कनेक्ट करती है, वो हमारा ऑस्टेचियन ट्यूब है। ऑस्टेचियन ट्यूब क्या करती है, वो एक्सटर्नल ईयर, जो हमारा एक्सटर्नल ईयर है, मिडिल ईयर है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में क्या करती है कि प्रेशर को मेंटेन करती है, ठीक है, ऑस्टेचियन ट्यूब जो है। अब हम देखेंगे इंटरनल ईयर को, तो इंटरनल ईयर जो है वो किससे बना होता है, तो कंसिस्ट ऑफ ए लेबरिंथ ऑफ फ्लूइड फिल्ड चैम्बर्स विद इन द टेम्पोरल लोब ऑफ द स्कल, यानी लेबरिंथ होगा उसमें, ठीक है। 2 तरह के लेबरिंथ होते हैं, बॉनी लेबरिंथ, मेम्ब्रेनस लेबरिंथ। बॉनी लेबरिंथ जो है वो पेरिलिम्फ कंटेन करता है, और मेम्ब्रेनस लेबरिंथ जो है वो इंडोलिम्फ कंटेन करता है। मेम्ब्रेनस लेबरिंथ जो है वो सुनने का काम करता है और बैलेंस करता है हमारे बॉडी को। और जो इंटरनल ईयर है वो 3 पार्ट होते हैं उसके। पहला होगा बॉडी प्रॉपर, जिसे हम लोग यूट्रिकल्स और सैक्यूलस कहते हैं। दूसरा पार्ट होगा सेमी सर्कुलर कैनाल और कॉकलिया। जो कॉकलिया है वो घेंघा की तरह होता है, किसकी तरह, छोटा सा होगा और स्नेल शेप्ड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो इसमें हम पार्ट याद रखिए, बॉडी प्रॉपर, सेमी सर्कुलर कैनाल, कॉकलिया, ठीक है। इंटरनल ईयर में बॉनी लेबरिंथ, मेम्ब्रेनस लेबरिंथ होगा। बॉनी लेबरिंथ पेरिलिम्फ और मेम्ब्रेनस लेबरिंथ इंडोलिम्फ कंटेन करता है, ये एक तरह का फ्लूइड है।
फिर क्या होता है कि जो हमारे कॉकलियाँ हैं उसके 3 चैम्बर होते हैं, स्केला वेस्टिबुली, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पैनी। स्केला मीडिया जो होता है वो जो है ऑर्गन ऑफ हियरिंग को कॉन्टेन करता है, जिसे हम लोग ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कहते हैं। तो ये जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है वो मेन जो इसका काम क्या है वो हियरिंग का है, इसी के प्रेजेंस के चलते हम लोग सुन सकते हैं। और अगर कुछ बीमारियाँ देखें ईयर से जुड़ी, तो वो है ओटैल्जिया ईयर एक, यानी कान में दर्द होगा तो उसे हम लोग ओटैल्जिया ईयर एक कह सकते हैं। मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो सकता है या फिर ईयर का मेलफंक्शनिंग हो सकता है, जिसे हम लोग लेबरिंथिन डिजीज कहते हैं। तो मेनली ईयर के बारे में आप इतना लिख दीजिएगा, अच्छा सा डायग्राम बना दीजिएगा। और अगर आप कुछ अपना पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, जितना मैंने बताया सारे क्वेश्चंस के आंसर में, उससे एक्स्ट्रा आप लिखना चाहते हैं, तो आप सर्च करिए, अच्छे से पॉइंट को ऐड करिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। तो ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, और ऐसे ही अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऐसे ही मेरे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, और थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया कंटेंट के साथ।